हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑपरेशनल रिसर्च में सिंपल इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम किया था। क्या क्या कॉलम बनाए थे? इयर्स, देन वी हैव ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन वी हैव डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन और क्यूमुलेटिव टोटल कॉस्ट को हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमने टोटल कर दिया, देन एवरेज टोटल कॉस्ट अपने अपने रिस्पेक्टिव ईयर से डिवाइड कर दिया। जिस ईयर में हमारी कॉस्ट डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है वहां तक उस पर्टिकुलर ईयर में हमने रिप्लेसमेंट करनी है। जिस ईयर के बाद कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी हमने उससे पहले पहले अपने एसेट की रिप्लेसमेंट कर देनी है। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम यहां हम प्रेजेंट वैल्यू रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम आज करेंगे। सिंपल रिप्लेसमेंट में और प्रेजेंट वैल्यू रिप्लेसमेंट में कहां डिफरेंस है आपको पता है। जिन स्टूडेंट्स ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रूपी वन पैसे की टाइम वैल्यू होती है, आज का एक रुपया और जो वन रुपी हमें एक साल बाद मिलने वाला है उसके वैल्यू में डिफरेंस होता है। सपोज आज 2020 में मुझे एक रुपया मिल रहा है, यही एक रुपया अगर मुझे 2021 में मिलेगा तो उसकी अगर मैं 2021 वाले एक रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो डिफरेंट होगी, कम होगी। इसका मतलब हमें अपने पैसे की फ्यूचर में रिप्लेस मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी कंसीडर करनी चाहिए। जो हमने पिछली प्रॉब्लम की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर लिए थे वो अगले फ्यूचर ईयर थे और हम एक रुपए की वैल्यू फ्यूचर में भी एक रुपया ही ले रहे हैं, जब फ्यूचर के एक रुपए की वैल्यू आज की डेट में एक रुपया ही कंसिडर करके चल रहे हैं। ये किया था, ईयर हमने यहां लिखे थे, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखी थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो फ्यूचर ईयर की है, डिसीजन हम आज ले रहे हैं रिप्लेसमेंट की, उसकी आज एक रुपए की वैल्यू सेम कंसीडर कर रहे हैं। 8 साल बाद जो हमें एक रुपया खर्च करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी आज की वैल्यू सेम कंसीडर कर रहे हैं, आज के एक रुपए की वैल्यू भी और 8 साल बाद जो एक रुपया खर्च करना है उसकी भी सेम वैल्यू कंसिडर करके आज हम अपनी रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का डिसीजन ले रहे हैं, जबकि मनी हैज अ टाइम वैल्यू। तो हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को ठीक करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम देखेंगे। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी वन कंसीडर करनी है, इसके लिए आपको एक टेबल देखना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में देखते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखते हैं, मैं फिर भी बताऊंगा टेबल कैसे देखते हैं। आपको एक परसेंटेज दी होगी, डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा, ऐसे दिया होगा डिस्काउंटिंग टेबल रेट दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 10%, ये आपको गिवन है। आपने 1 रुपी की वैल्यू 10% पर देखनी है, कैसे देखनी है, आपको ऐसे एक टेबल दिया होता है, यहां 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, ऐसे 40-50% तक दिया हुआ है और यहां ईयर एंडिंग दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, ऐसे नीचे तक दी है। 1 रुपये की वैल्यू अगर मुझे 10% पर देखनी है, यहां देखनी है, 10% रेट है तो ऐसे है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 एंड सो ऑन। ये 1 रुपये की वैल्यू है 10% पर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 ऐसे है। लेकिन ये ईयर एंडिंग है, ध्यान रखना ये ईयर एंडिंग है और हमें जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें कुछ नहीं लिखा होता और हम ईयर बिगनिंग अज्यूम करते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो ईयर दिए होंगे वो ईयर बिगनिंग दिए होंगे, ऐसे दिए होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ईयर बिगनिंग है और टेबल जो है वो ईयर एंडिंग है, बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम अपने क्वेश्चन में जो ईयर बिगनिंग है इसे एज्यूम करेंगे कि अगर ये ईयर एंडिंग हो तो एक एक
साल हमें ऊपर करना पड़ेगा, मतलब ऐसे करना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 की वैल्यू ये वाली ले लेंगे, 2 की वैल्यू ये ले लेंगे, 3 की वैल्यू ये ले लेंगे, 4 की वैल्यू ये ले लेंगे, 5 की वैल्यू ये ले लेंगे। लेकिन 0 जो पहला आपका ईयर बिगिनिंग 1 मतलब ईयर एंडिंग 0 जो दिया उसकी वैल्यू क्या लेंगे, उसकी हमेशा 1 रुपी ही लेते हैं। कोई भी टेबल हो 0 पीरियड मतलब आज का पीरियड, इसमें 1 रुपी की वैल्यू 1 रुपी ही है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके उसे प्रेजेंट वैल्यू से पूरा करके दिखाता हूं, बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रेजेंट वैल्यू टेबल मैं उसी में आपको समझा देता हूं। लो कॉलम वही बनेंगे, मेरे पास ईयर्स है, कुछ नहीं लिखा तो हम ईयर बिगिनिंग लिखते हैं, लेकिन हमने लिखना नहीं है यहां ईयर बिगिनिंग। 1, 2, 8 ईयर्स तक है, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 ईयर बिगिनिंग है। ये मेरी सेकंड है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे हमने पहले ली थी रनिंग कॉस्ट 1500, 1600, 1800, 2100, 2500, 2900, 3400 and 4000। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब ये मेरी ऑपरेटिंग रनिंग कॉस्ट है, अब मुझे टेबल पीछे से देखना है। कौन सा टेबल देखना है, उसने कहा है 10% पर देखो, फर्स्ट ईयर नहीं लेना, ये ईयर बिगनिंग है। तो एक तरह अज्यूम करो कि ये मन में लिखना नहीं है, एक एक साथ ऊपर कर दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिर्फ टेबल देखने के लिए, एक एक साथ ऊपर कर दिया, ईयर एंडिंग बिगनिंग से ईयर एंडिंग बना दिया, मतलब फर्स्ट ईयर का बिगनिंग, फर्स्ट ईयर का बिगनिंग 2021 का बिगनिंग, जनवरी 2021 मींस दिसंबर 2020, एक साथ ऊपर ऊपर करना पड़ेगा आपको। यहां 1 रुपी की वैल्यू 1, अब 1 में जो है वो 0.909, पीछे से टेबल देख लो 0.826, मतलब एक जो आपने फर्स्ट ईयर वहां पीछे दिया हुआ है वो सेकंड ईयर की वैल्यू है, और जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। पॉइंट 751.683.621.564.513। समझ आया टेबल कैसे देखना है, आपको जो पीछे 1 ईयर की वैल्यू है वो 2 के आगे लिखनी है, जो 2 ईयर की वैल्यू है वो 3 के आगे लिखनी है, और जो 1 की वैल्यू है वो 1 ही रखनी है, एक एक साथ ऊपर चलना है। अब इसको रब कर देते, मतलब ये इतना 1 ईयर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और 7 है, और ये जो 1 है ये 0 ईयर है, इसमें 1 रुपी की वैल्यू 1 है, मतलब एक एक साथ ऊपर कर दिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम क्या बनता है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये रुपी 1 की है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 1 एट 10% है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, 1600 × 0.909 इट इज 1454.4, 1800 × 0.826 इट इज 1486.8, 2100 × 0.751 इट इज 1577.10, ये दोनों ले लिए 2500 × 0.683 इट इज 1707.5, ये ले लिए 2900 × 0.621 इट इज 1800.9, ये ले लिए 3400.564 इट इज 1917.6, 4000. मल्टीप्लाई बाय 0.513 इट इज 2052। नेक्स्ट कॉलम क्यूमुलेटिव,
क्यूमुलेटिव। अब सोच लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट 1500, एड करते रहेंगे हम आगे, 1500 प्लस 1400 5.4 इट इज 2954.4 प्लस 1486.8 इट इज 4441.2 प्लस 15 6018.3 प्लस 1707.5 इट इज 7725.8 प्लस 1800.9 इट इज 9526.7 प्लस 191 इट इज 11444.3 प्लस 2052 13496.30 फिर वही कैपिटल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इसमें कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट 15,000 दिया हुआ है और हर साल की 5,000 कॉस्ट दी है और हर साल की स्क्रैप अलग अलग दी है, फर्स्ट ईयर की स्क्रैप रीसेल वैल्यू 3500 है तो डेप्रिसिएशन आ गया 1500। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अगले साल 2500 आ गया, अगले साल 3300 आ गया, अगले साल 3800 आ गया, 4200 स्क्रैप वैल्यू माइनस कर करके मैं ले रहा हूँ, 4500 आ गया, फिर 4500 आ गया, चलो फिर 45, अगले साल सेम चीज स्क्रैप। अब टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3000 2954.4 प्लस 2500 5454.4441.20 प्लस 3300 इट इज 7741.2 6018.30 प्लस 3800 इट इज 9818.3 7725.8 प्लस 4200 इट इज 11925.8 9526.7 प्लस 4500 14026.7 11444.30 प्लस 4500 15944.3 13496.30 प्लस 4500 17996.30। यहां तक पहले चेक करिए आराम से। अब हमने जो पहले किया था उसमें क्या किया था, हमने रिस्पेक्टिव ईयर से डिवाइड किया था, नहीं यहां रिस्पेक्टिव ईयर से डिवाइड नहीं करना, टेबल को भी, ये जो टेबल है इसको भी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाइए, क्यूमुलेटिव टेबल 1.909 प्लस 0.826 2.735 प्लस अगला मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं 3.486 4.169 4.12345 790 5.35 5.867। अब हमें वेटेड एवरेज टोटल कॉस्ट निकाली, वेटेड टोटल कॉस्ट को अब इनसे डिवाइड करना है, पहले हमने ईयर से डिवाइड किया था, फर्स्ट ईयर आ गया 3000 5454.4 डिवाइडेड बाय 1.909, अगले साल आ गया 2857। ऐसे आपने हर साल के हर टोटल कॉस्ट को क्यूमुलेटिव टेबल से डिवाइड करके वेटेड एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है, जिस ईयर में सबसे कम होगी उसके बाद बढ़ने लग जाएगी, वहां जाके हमने रिप्लेस करना है। देखिए एक बार दोबारा बताता हूं, ईयर्स ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू टेबल एक एक साल ऊपर करके लेना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इक्वल टू बनेगा। अब सोच लो ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट,
डेप्रिसिएशन, वही क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन एट टोटल कॉस्ट, बस यहां ईयर से डिवाइड नहीं करना, टेबल का भी क्यूमुलेटिव लेना है। फिर वेटेड एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को क्यूमुलेटिव टेबल से डिवाइड करना है, जहां तक कॉस्ट कम है उसके बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी, जहां कम है वो ईयर में हम रिप्लेसमेंट करेंगे। ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया, आप इसके क्वेश्चन करके मुझसे डाउट्स ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।